विश्व योग दिवस पर टीकमगढ़ में कई जगह विशेष टीकाकरण किया गया। इसी के तहत बड़ी संख्या में टीकाकरण केंद्र पहुंचे लोगों ने टीका लगवाया। टीकाकरण का यह महाअभियान सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक रहा। इस दौरान लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह देखा गया। भारत सरकार का उद्देश्य है कि तीसरी लहर को रोका जाए, अगर तीसरी लहर आती है तो इससे नुकसान ना हो। वहीं टीकमगढ़ महाराज मधुकर शाह जुदेव ने लोगों से इस महाअभियान का हिस्सा बनने की अपील की। महाअभियान को लेकर कलेक्टर सुभाष द्विवेदी ने कैंप का पूरी टीम के साथ निरीक्षण किया और लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित किया। इसे बचाव के लिए राज्य शासन द्वारा वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू किया गया है, जो आज से प्रारंभ होकर 30 जून तक नियमित रूप से चलना है। इस अभियान के तहत हमारे जिले में कुल हमने 162 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए और इसमें शहर के कई गणमान्य नागरिक, कई समाज से भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। युवराज रुद्र प्रताप शाह ने अभियान को लेकर कहा कि जरूरत पड़ने पर टीकाकरण कार्यक्रम को आगे फिर से किया जाएगा। वहीं विश्वजीत सिंह जुदेव ने कहा कि लोगों को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम जरूरी है और हमारी जनता सुरक्षित रहे, यह हमारी और सरकार की प्राथमिकता है। मैं बस कहना चाहता हूं कि यहां फैसिलिटी शासन ने खोल दी है, रामनिवास सब जानते हैं, आके वैक्सीन लगवाएं और सब सुरक्षित रहें। ये वैक्सीन एक सुरक्षा कवच की तरह जब तीसरी लहर आएगी सबको सुरक्षित रखेगी। देखिए, हम ओरछा राज परिवार से जुड़े हुए हैं जी। सन 47 के पहले पूरा टीकमगढ़ ओरछा राज हमारे पूर्वजों का था जी। हम लोग चाहते हैं कि एक से एक सब समाज के वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि ये ऐसा एक महामारी है जो एक से दूसरे को पहुंचती है, फैलती है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।